अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने लगे हैं ईद स्पेशल कोल्ड कॉफ़ी डिलाइट। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आप इसको ईद की दावतों में बनाएं, सर्व करें मीठे के तरीके से। बहुत ही मज़ेदार की और बहुत आसान रेसिपी है। सबसे पहले मैंने 1.5 गिलास दूध ले लिया है यहाँ पे। उसके बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून कॉफ़ी का शामिल करूँगी और 2 टेबल स्पून मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे चीनी शामिल कर दी। अब मैं फ्लेम को ऑन कर दूँगी और इसको थोड़ी देर तक पकाऊँगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैं इसको पकाऊँगी, जब तक के बॉईल ना आ जाए। ये देखिए दूध पे हमारा बॉईल आ चुका है। अब मैं अपनी फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। उसके बाद क्या करेंगे, मैंने एक बाउल में 3 टेबल स्पून क्रीम ले ली है। रूम टेम्परेचर पर क्रीम थी मेरी, 3 टेबल स्पून मैंने वो ले ली है। इसमें मैं 1 टीस्पून कॉफ़ी का शामिल करूँगी। इंस्टेंट कॉफ़ी है ये, 1 टीस्पून। और मैं इसमें 1 टेबलस्पून कोको पाउडर का शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून मैंने कोको पाउडर का शामिल कर दिया। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। ये सारा मिक्स हो चुका है, हमारा जो मिक्सचर है कोको पाउडर वाला वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको साइड पर कर देंगे और एक बड़े बोल में क्या करेंगे, एक बड़े बोल में मैंने ठंडा बोल है और क्रीम भी मेरी तकरीबन 1 कप यहाँ पर मैंने क्रीम ले ली, इसको भी ठंडी क्रीम है। अब इसमें मैं 3 टेबल स्पून आइसिंग शुगर की शामिल करूँगी। अगर आपके पास आइसिंग शुगर अवेलेबल नहीं है तो आप घर में जो भी चीनी यूज़ होती है उसको ग्राइंडर में अच्छे तरीके से पीस लें बिल्कुल बारीक बारीक और वो शामिल कर दें 3 टेबल स्पून। अब मैं इसको फेंट लूँगी, बीट करूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट, थोड़ा सा फ्लफी होने तक के लिए, थोड़ा सा, बिल्कुल ज़्यादा हमें इसको स्टिफनेस नहीं बढ़ानी इसकी, ना ज़्यादा बीट करना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए बीट करना है। ये देखें 2 से 3 मिनट मैंने इसको बीट कर लिया है। कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, बिल्कुल भी ज़्यादा स्टिफ नहीं है हमारी क्रीम। अब मैं इसमें क्या करूँगी, जो हमने कोको पाउडर वाला मिक्सचर रेडी किया था वो ऐड कर दूँगी और फिर इसको तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए बीट करूँगी ताकि हमारा कोको पाउडर का मिक्सचर और क्रीम एक जान हो जाए। ये देखें मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है और इसकी कंसिस्टेंसी आप सब देख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे रस्क ले लिए हैं, रस्क पापे जो आपको अवेलेबल हो आप वो ले लें। इसको मैं पहले जो हमने मिक्सचर बनाया था कॉफ़ी और दूध वाला उसमें डिप करूँगी कुछ इस तरीके से और फिर इसको अपनी सर्विंग डिश पे रख दूँगी। आप चाहें तो इसको प्लास्टिक के कंटेनर में भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पे कांच की डिश में बना रही हूँ। ऐसे ही मैं फर्स्ट लेयर लगा दूँगी रस की, डिप कर करके कुछ इस तरीके से। 2 फॉक की हेल्प से मैंने इसको डिप किया है, अब उनकी हेल्प से इसको बाहर निकाल के डिश में लगा दूँगी। ये देखें तीसरे वाले के साथ भी सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। उसके बाद जो हमारी क्रीम का जो मिक्सचर हमने रेडी किया था वो मैं आप एक लेयर लगा दूँगी रस्क के ऊपर क्रीम की। उसके बाद मैंने यहाँ पे ओरियो ले लिए हैं, आप जो भी चाहें चॉकलेट चिप्स चाहें चॉकलेट चिप्स स्प्रिंकल कर दें, कोई भी ड्राई फ्रूट चाहें वो स्प्रिंकल कर दें, वो सारी आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। आप दूसरी लेयर के साथ भी मैं सेम करूँगी, पहले रस्क को डिप करूँगी देन ऊपर फिर क्रीम के ऊपर वाली लेयर पर रख दूँगी। इस तरीके से हम लेयरिंग कर लेंगे। आपकी डिश जितनी गहरी उस तरीके से आप लेयर करें, मेरे में 2 से 3 लेयर लग रही तो मैं 2 से 3 लेयर्स लगाऊंगी। अब इसके ऊपर सेम हम फिर से क्रीम वाला मिक्सचर ला लेंगे। अच्छा थोड़ा सा मेरा मिक्सचर बच गया था दूध वाला, तो मैं थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डाल दूँगी ताकि वो भी वेस्ट ना हो। उसके बाद मैं क्रीम का मिक्सचर डाल रही हूँ ऊपर कुछ इस तरीके से। अब क्रीम सेट कर ली है सारी मैंने यहाँ पे। अब इसके ऊपर फिर से मैं ओरियो के क्रम्स डालूंगी, आप जो चाहें डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स, कुछ चॉकलेट सिरप, कुछ भी। और अच्छा हम इसको बहुत अच्छा ठंडा करेंगे, मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी तकरीबन 8 से 12 घंटे के लिए। जितना ही ठंडा होगा उतना ही मज़े का लगेगा। तो आप दावत से पहले एक रात बना के पहले रख दें और फिर इसको सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।